हेलो गाइस, वेलकम टू माय एग्रो चैनल। आज हम लोग देखेंगे आईसीआर AIEEA पीजी का फॉर्म भरने का कंप्लीट स्टेप्स। ओके, कंप्लीट डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं आईसीआर के एनटीए के साइट पे। और ये रहा आईसीआर का एनटीए का साइट, और आप आईसीआर पीजी 2021 का फॉर्म यहीं से भर सकते हैं। यहाँ से आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन, अगर आपने पहले डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ से आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं। और पीजी का फॉर्म भरने के लिए प्लीज़ क्लिक ऑन दिस गिवन लिंक, ये वाले लिंक पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद ये वाला पेज खुलेगा। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट लिखा हुआ स्टेप वन में हम लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन पर्सनल डिटेल्स भरना है। उसके बाद हम लोग को सेकेंड स्टेप में क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना होगा। थर्ड स्टेप में हम लोग को जो इमेज स्कैन करके रखे हैं, इमेजेस, अपना फोटो प्लस अपना सिग्नेचर जो स्कैन किए हैं, उसको अपलोड करना है। और याद रखिएगा, स्कैन करने का जो इमेज का साइज होगा वो 10 KB टू 200 KB का होगा, और सिग्नेचर का जो इमेज होगा वो 4 KB से 30 KB का होगा। इसके अलावा हमें थंब इम्प्रेशन का भी ज़रूरत पड़ेगा। थंब इम्प्रेशन के लिए जो साइज़ होगा फाइल का वो 3 KB से 30 KB का होगा। ठीक है, ये गौर से ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरने से पहले आप इस गिवन साइज में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इमेजेस को गिवन साइज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है। आप वहां पर जाके इमेज अपलोड करके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और फोर्थ स्टेप में हमें फी पेमेंट करना है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए हम लोग को नया रजिस्ट्रेशन करना है। तो हम लोग नया रजिस्ट्रेशन इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ फिर से कुछ इंस्ट्रक्शंस है। पहले इंस्ट्रक्शन में हम बोला है कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को एक बार रीड कर लेना है डाउनलोड करके। फिर हम लोग को ऑफिशियल वेबसाइट का साइट दिया हुआ है। फिर यहाँ पर फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कितना पैसा लगेगा, जो हम लोग स्टेप्स देखे हैं पहले वो स्टेप्स फॉलो कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए, स्कैन जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर होना चाहिए वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और स्कैन फोटोग्राफ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 KB टू 200 KB, जो हम लोग पहले भी पढ़े हैं। उसका स्कैन सिग्नेचर जो होना चाहिए वो 4 KB टू 30 KB होना चाहिए। और स्कैंड थंब इम्प्रेशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3 KB टू 30 KB। ओके, 3 KB टू 30 KB के बीच के रेंज का होना चाहिए। ओके अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अगर PWD का रिजर्वेशन लेना है तो आप उसका आपको उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और उस डॉक्यूमेंट को भी 10 KB से 200 KB के अंदर रखना है। ठीक है, और कलर फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, जो फोटोग्राफ होगा वो कलर होना चाहिए विथ वाइट बैकग्राउंड। ओके, और जो सिग्नेचर है वो ब्लू या ब्लैक इंक का होना चाहिए ऑन वाइट पेपर। ओके, ये पासवर्ड सेट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जैसे 8 टू 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, एक अपर केस का, एक लोअर केस का, एक वन न्यूमेरिकल वैल्यू वाला, या फिर कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 न्यूमेरिक वैल्यू, वो मतलब वो होता है 1 2 3 4 5 6 से 10 तक 9 तक कुछ कोई भी एक वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी सेक्शन है आपको पासवर्ड के लिए। 8 से 13 कैरेक्टर्स का लॉन्ग हो सकता है, 18 से 13 शब्द का हो सकता है। एक अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए, एक लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 1 2 3 4 5 से 9 तक कुछ भी कोई भी एक वैल्यू होना चाहिए, और एक स्पेशल अल्फाबेट जैसे कि 1 ! एट द रेट, उसके बाद हैस्ट्रिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आपको रिसेट करना है पासवर्ड तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चंस एक सेट कर सकते हैं फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। आप उस सिक्योरिटी क्वेश्चन के और एसएमएस, जिस मोबाइल नंबर को आप रजिस्टर करेंगे उसमें एक एसएमएस जाएगा, उस एसएमएस के द्वारा आप अपना पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। ठीक है,
और एप्लीकेशन नंबर प्रिंटेड ऑन द कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पेज मस्ट बी मेंशनड इन ऑल सच कॉरेस्पॉन्डेंसेस. इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू नोट डाउन द एप्लीकेशन नंबर एंड प्रिंटेड ऑन द कंफर्मेशन पेज. ठीक है, यहाँ पर बोलना चाहता है कि आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा वो एप्लीकेशन नंबर आप कहीं पर लिख के रख लीजिएगा फॉर फर्दर रेफरेंस. ओके, अब उसके बाद आगे बढ़ने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, आप कंफर्मेशन दे दीजिएगा, फिर क्लिक हेयर टू प्रोसीड क्लिक कर दीजिएगा. और ये हो गया आपका पर्सनल डिटेल्स मांग रहा होगा. ठीक है, यहाँ पर आप फॉर्म भर दीजिएगा पर्सनल डिटेल, जैसे कैंडिडेट नेम हो गया एक्स वाई जेड. ओके, एक्स वाई जेड आप फॉर्म कर फिल कर दिए, फिर फादर्स नेम ए बी सी, मदर्स नेम डी ई एफ, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. सपोज मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14/7/2003. ओके, उसका आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी टाइप में आप पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, आधार कार्ड का अगर आधार कार्ड दे रहे तो उसका सिर्फ लास्ट फोर डिजिट्स ओनली ज़रूरत पड़ेगा आपको. ठीक है, लास्ट फोर डिजिट्स ही ज़रूरत पड़ेगा. और एनी वोटर आईडी कार्ड, जो वोटर आईडी कार्ड नहीं, कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो, जैसे आपका पासपोर्ट हो गया या फिर आपका ये ग्रीन पासबुक होगा अगर, तो वो कुछ भी जो गवर्नमेंट के द्वारा वैलिड है वो आप एज अ आईडी प्रूफ यूज़ कर सकते हैं. पर सबसे बेस्ट होगा आप आधार कार्ड, अगर आपके पास है तो आधार कार्ड का यूज़ कीजिएगा. हम लोग यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आधार कार्ड का लास्ट थ्री डिजिट फोर डिजिट डाल लेंगे, फिर जेंडर आपका जो भी है मेल या फीमेल कुछ भी कर लीजिएगा, मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो भी हो. उसके बाद ईमेल में आप कुछ भी डाल लीजिएगा, अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा, एक वैलिड ईमेल आईडी जो आप जिसके पास जिसको आप लॉगिन कर सकते हैं, कि वहाँ पर आपका कंफर्मेशन जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म का एक कॉपी जाएगा, उसके बाद एडमिट कार्ड भी जाएगा. इसलिए जो भी ईमेल आईडी आप यूज़ करेंगे उसका वैलिड होना चाहिए. ठीक है, सपोज ये मेरा ईमेल आईडी है. ओके, सॉरी थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, ये मेरा ईमेल आईडी है, कंफर्मेशन ईमेल मांग रहा है, एकदम जो ऊपर में लिखे उसी को कॉपी करके वापस लिख देना है. अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांग रहा है, सपोज मेरा मोबाइल नंबर है 12132567 8910. ओके, ये मेरा मोबाइल नंबर है. अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है तो वो आप दे सकते हैं, लैंडलाइन नंबर होगा तो लैंडलाइन नंबर दे सकते हैं. मैं यहाँ पर एड्रेस डिटेल कुछ भी अपना हम अभी कुछ भी डाल दे रहे हैं, पर आप अपना एड्रेस डिटेल डालिएगा, जो परमानेंट एड्रेस है वो उसका डिटेल्स डालिएगा. ठीक है, उसके सिवाय आप यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस यानी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी डाल सकते हैं. अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस नंबर यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा यहाँ पर. ओके, उसके बाद एक आप पासवर्ड जो प्रीवियस जो पहले हम इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे उसके अकॉर्डिंगली आप एक पासवर्ड सेट कर लीजिएगा. उस सेम पासवर्ड को आप यहाँ पर फिर से टाइप कीजिएगा, फिर यहाँ पर कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जैसे व्हाट इज़ द विच वेबसाइट यू रियरली विजिट, मैंने वहाँ पूछ रहा है कि कोई कौन सा वेबसाइट जो आप बहुत कम जा विजिट करते हैं, या फिर आपका फर्स्ट स्कूल का नाम क्या है, या फिर आपका नेबर्स का पेट का नाम क्या है, कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लीजिएगा, उसको सिक्योरिटी आंसर में दे उसका आंसर दे दीजिएगा. और इस सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिक्योरिटी आंसर को एकदम याद रखिएगा. ठीक है, आप अगर आप गलती से कभी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये आपको पासवर्ड रिसेट करने के लिए बहुत मददगार होगा. एक पिन गया होगा, ये जो पिन दिया हुआ है ये JDDKAW मेरे केस में, इसको आपको कॉपी करके यहाँ पर लिख देना है. ठीक है, कॉपी नहीं कर पाएंगे, आपको टाइप करना होगा. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सबको क्लिक कर दीजिएगा, चेकलिस्ट में सब भर दिए हैं ये इसको दर्शाता है, उसके लास्ट में इसको भी क्लिक करके यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा. ठीक है,
सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर में एक कंफर्मेशन जाएगा और प्लस आपका ईमेल आईडी में भी कंफर्मेशन एक जाएगा। यहाँ पर मैंने अपने डिटेल सही डिटेल्स नहीं डाला है इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पर आईसीआर के अपने साइट में अपना जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया था वहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स दिए थे एप्लीकेशन भरने के लिए, तो हम लोग वहीं पर कंटिन्यू करके देखते हैं क्या है। ओके, तो हम लोग अब देखते हैं कि आगे का जो फॉर्म भरने का प्रोसेस क्या है। यहाँ पर आईसीआर ने इंफॉर्मेशन ब्रोशर में फुल डिटेल्स में दिया है, ठीक है। हमने यहाँ तक भर लिया था, उसके बाद यहाँ पर कंफर्म, यहाँ पर सबमिट करने के बाद और एक कंफर्मेशन पेज आएगा। कंफर्मेशन पेज में आप कंफर्म डिटेल्स कर दीजिएगा, अगर आपका सारे डिटेल्स सही है तो यहाँ पर कंफर्म डिटेल्स कर दीजिएगा। फिर सेकेंड स्टेप में आपको कुछ इस तरह स्क्रीन आएगा, ठीक है। इस तरह स्क्रीन में यहाँ पर अगर आपको पासवर्ड चेंज करना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं पासवर्ड चेंज, ओके। और अगर आपको कुछ चेंज नहीं करना है तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा, और उससे पहले आप ये एप्लीकेशन नंबर को, आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर शो करेगा, आप कंफर्म कर दीजिएगा एप्लीकेशन नंबर और कहीं लिख कर रख लीजिएगा ताकि फर्दर रेफरेंस के लिए आप इसको रेफर कर सकें। फिर कुछ ऐसा आपका स्क्रीन पे आएगा कंफर्म कंप्लीट एप्लीकेशन भरने के बाद। फिर यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन अप्लाइड फॉर का डिटेल्स डालना होगा। पहले पूछेगा कि अप्लाइड फॉर व्हाट, यहाँ पर हम लोग को AIEE PG 2021 का भरना है, ठीक है। उसका कॉलेज फैकल्टी फ्रॉम विच द PG वाज कंप्लीटेड, ओके। यहाँ पर हम लोग का पूछा जाएगा UG कंप्लीटेड, ठीक है। फिर PhD हम लोग, मैंने यहाँ पर PG किसके लिए, हम लोग कौन सा ग्रुप में PG के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर वो पूछा जाएगा। ये वाला कॉलम नहीं आएगा। फिर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, हम लोग तो कंपलसरी इंग्लिश है। फिर फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, सेकंड चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी एंड थर्ड चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी और फोर्थ चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, ठीक है, विथ स्पेसिफिक सिटी लोकेशन, ओके। ये यहाँ पर स्टेट का नाम आएगा, यहाँ पर सिटी लोकेशन आएगा। फिर हम लोग अपना एडुकेशन डिटेल्स, क्लास 10 या फिर इक्विवेलेंट एडुकेशन क्वालिफिकेशन डाल देना है। फिर यहाँ पर क्लास 12 का एडुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है। फिर ग्रेजुएशन का डालना है, हम लोग तो ग्रेजुएट अभी तक सबको सर्टिफिकेट्स नहीं मिले होंगे तो ये शायद कॉलम हम लोग अभी छोड़ सकते हैं या फिर ये कॉलम हम लोग को अभी नहीं मिलेगा भरने के लिए। ये आगे के डिटेल्स PG वाले लोग के लिए हैं, तो ये हम लोग का कोई काम का नहीं है। फिर डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन आएगा, रेस्पेक्टिवली आप भर दीजिएगा। फिर एक सिक्योरिटी पिन को फिर से भरना होगा, सिक्योरिटी पिन को। फिर थर्ड स्टेप में हम लोग को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, सारे JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। तीनों के तीनों इस फॉर्मेट में फाइल होंगे और यहाँ पर एक प्रीव्यू आ जाएगा आपके फोटो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन का। फिर यहाँ पर तीनों सिलेक्ट करके आप मेक पेमेंट के ऑप्शन में चल जाइएगा। मेक पेमेंट के ऑप्शन में जाने के बाद आप कोई भी एक तरीके से अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट गेटवे, ICICI बैंक पेमेंट गेटवे, पेटीएम पेमेंट गेटवे, कैनरा बैंक पेमेंट गेटवे और HDFC बैंक पेमेंट गेटवे, ठीक है। यहाँ पर आप सबसे बेनिफिट मेरे ख्याल से स्टेट बैंक, ICICI और पेटीएम पेमेंट गेटवे होगा। आप अपने सुविधा के हिसाब से कोई भी पेमेंट गेटवे चूज कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में आप डिक्लेरेशन देके आप अपना पेमेंट पूरा कर लीजिएगा और यहीं पर आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म भरना कंप्लीट हो जाएगा। यही लास्ट स्टेप था और इसके बाद आपका एक कंफर्मेशन आएगा, आप वो एप्लीकेशन फॉर्म का
या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिएगा, या फिर उसका पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके रख लीजिएगा। ओके, आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू, बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू, लाइक एंड शेयर द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, और ICRNTA का ऑफिशियल साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके सिवाय डिटेल्स ऑफ ICR इंफॉर्मेशन बुकलेट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया